यार गले से आवाज नहीं निकल रही है। काफी बार रिटेक ले चुका, और क्योंकि मैं चाहता हूँ कि परफेक्ट वीडियो बने, और मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को एंटरटेन हो और कम टाइम में आपको जानकारी ज्यादा मिल जाए। और मेरी आज की ये तीसरी वीडियो है, क्योंकि बैक टू बैक मैंने सीरीज और मूवी देखने के बाद मैं बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका, और मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो अपलोड करे तक मेरे पूरा दम निकलने वाला है। खैर, बात करेंगे हॉटस्टार पर रिलीज हुई एक नई वेब सीरीज जिसका नाम है आर्या। इसमें आपको तकरीबन 9 एपिसोड देखने को मिलेंगे, जिसके ऑलमोस्ट हर एपिसोड 50 मिनट्स के। खैर, ये सीरीज में हमें नजर आती है सुष्मिता सेन, चंद्रचूड़ सिंह, नमित दास और सिकंदर खेर। खैर, इस सीरीज का रिव्यू करने से पहले मैं आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, वो ये है कि मेरी वाइफ का एक फूड चैनल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जहां पर आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज देखने को मिलेगी, अच्छी अच्छी रेसिपीज सीखने को मिलेगी। तो आई होप आप अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ उस चैनल को जरूर शेयर करोगे, और इसी तरीके से आप उस चैनल को भी सपोर्ट करोगे जैसे आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करते आए हो। खैर, बात करेंगे सीरीज की, तो इस सीरीज की कहानी शुरू होती है राजस्थान से, जहां पर हमें चंद्रचूड़ सिंह नजर आते हैं। उनका इस सीरीज में नाम है तेजस। उनकी फार्मास्यूटिकल कंपनी, यानी कि उनकी कंपनी में इलीगल दवाइयों का बिजनेस होता है। अब इस बिजनेस में उनकी हेल्प करता है उनका दोस्त जोहर और उनका ब्रदर इन लॉ संग्राम। खैर, कहानी में ट्विस्ट आता है जब संग्राम राजस्थान के एक बड़े ड्रग डीलर शेखावत के 300 करोड़ के ड्रग्स को लेकर आया था। अब वो किस तरह से लेकर आता है, उसके लिए तो आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। लेकिन सिचुएशन और खराब तब हो जाती है जब तेज का हो जाता है मर्डर। अब ये मर्डर किसने किया, इसके पीछे कौन है, और उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं, ये सब के लिए तो आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। खैर, बात करते हैं सीरीज में मुझे पर्सनली क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। तो देखिए, सीरीज का जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे पर्सनली बहुत यूनिक लगा, बहुत अलग हटके लगा। लेकिन जिस तरह से इस शो की पेसिंग होना चाहिए था वो है नहीं, यानी कि इंडियन ऑडियंस के हिसाब से अगर इस शो को देखा जाए तो ये शो काफी स्लोली स्लोली आगे बढ़ता है। ऑल्दो यहाँ पर हमें फैमिली से रिलेटेड काफी डार्क सीक्रेट्स पता चलते हैं, जो कि हमें शॉक तो करते हैं, लेकिन वो शॉक इतनी देर के बाद लगता है कि वो शॉक महसूस करने के लिए आपको ये सीरीज पूरी तरह से देखनी पड़ेगी। क्योंकि फर्स्ट से लेकर 7th एपिसोड तक आपको कुछ भी इस शो में ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते नहीं है। जो भी ट्विस्ट एंड टर्न्स है वो है 8th और 9th एपिसोड में। देखने के लिए आपको 50-50 मिनट के एपिसोड देखने को मिलेंगे, जो कि इतना लोगों में पेशेंस होता नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस तरीके की शोज इंडिया में और भी बनना चाहिए। क्योंकि आप लोगों ने नेटफ्लिक्स के एक शो देखा होगा ओजार्क, जहां पर आपको लॉन्ड्री और ड्रग्स के बारे में बहुत कुछ देखने को मिला था। तो उस सीरीज में भी एक चीज नेगेटिव थी, वो ये था कि एपिसोड बहुत ही स्लोली स्लोली आगे बढ़ते, लेकिन जिस तरह से उसमें कैसे आपको ट्विस्ट एंड टर्न्स और एक अच्छी कहानी देखने को मिलती, तो बिल्कुल उसी तरह से इस शो में भी आपको एक सेटिस्फेक्शन होता है जब आप इस शो को देखते हो। लेकिन इस शो की बस वही नेगेटिविटी, वो है इसकी लेंथ। उसके अलावा शो के अगर कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करूँ, तो यहाँ पर स्पेशली मैं सुष्मिता सेन की कैरेक्टर आर्या की बात करूंगा, जहां पर आपको उनके कैरेक्टर में काफी डिफरेंट शेड्स देखने को मिलते हैं। यानी कि पर्टिकुलर एक टाइम पे वो एक अच्छी मदर है, साथ साथ एक अच्छी वाइफ भी है, लेकिन जब उसके हस्बैंड का मर्डर होता है उसके बाद उसके कैरेक्टर में किस तरह से हमें डिफरेंस देखने को मिलता है, वो देखकर बहुत अच्छा लगता है। उसके अलावा यहाँ पर सिकंदर खेर के कैरेक्टर की बात करूँ, तो उनके कैरेक्टर में और मेरे चैनल में कोई भी अंतर नहीं है। इस सीरीज में मेन तो है, लेकिन उनको यहाँ पर इतना स्क्रीन टाइमिंग नहीं मिलती। वैसे ही मेरे वीडियोस अच्छे मैं बनाने की कोशिश करता हूँ और बनाता भी हूँ, तो मेरे वीडियोस को व्यूज नहीं मिलते, तो हम लोग की दोनों की सिचुएशन बिल्कुल सेम है। उसके अलावा यहाँ पर नमित दास के कैरेक्टर की बात करूँ, तो उनका कैरेक्टर भी यहाँ पर ठीक ठाक है और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से उस रोल को निभाया भी है। उसके अलावा यहाँ पर पल्लवी एक कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर में भी आप काफी शेड्स देखने मिलेगी। तो बेसिकली कहा जाए तो यहाँ पर आपको जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके काफी डार्क सीक्रेट्स इस सीरीज में आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इस शो की सिनेमेटोग्राफी की बात करो, तो ये शो पूरी तरह से राजस्थान में शूट हुआ है, इस वजह से आपको काफी फोर्ट्स देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत अच्छा लगता है। उसके अलावा इस शो के जो सेट डिजाइन है काफी बड़े स्केल में किया गया, तो इसलिए इतना तो समझ में आता है कि हॉटस्टार ने इस शो में बहुत ही ज्यादा पैसे लगाए। उसके अलावा इस शो में आपको बैकग्राउंड में राजस्थानी फोक म्यूजिक सुनने को मिलता है, जो कि आपको एहसास दिलाता है कि आप वाकई में जितने भी यहाँ पर जो लोग हैं वो वाकई में राजस्थान में रहते हैं। लेकिन एक चीज जो आपको खटकती है वो ये है कि यहाँ पर आपको मोस्टली कोई भी कैरेक्टर राजस्थानी लैंग्वेज बोलते हुए नजर नहीं आता। हाँ, कई कई जगह पर राजस्थानी लैंग्वेज यूज की गई, लेकिन वो बहुत ही कम जगह पर यूज की गई है। अगर इनफैक्ट जो राजस्थानी एक ड्रग डीलर है शेखावत, अगर वो भी यहाँ पर हमें मेवाड़ी लैंग्वेज यूज करते हुए नजर आता तो हमें ज्यादा अच्छा लगता, लेकिन उसने भी इतनी यहाँ पर एक्सेंट पकड़ा नहीं उसका। इनफैक्ट पकड़ा क्या, वो तो बस हमें नॉर्मल जैसे हिंदी लैंग्वेज होती है बस वही बोलते हुए नजर आता है। तो वो चीज थोड़ी हमें खटकती है, क्योंकि हम लोग जब पूरे कैरेक्टर्स राजस्थान के, शो पूरा राजस्थान में है, तो वो लैंग्वेज क्यों नहीं बताया। एक्सेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोग इंडिया के किसी पर्टिकुलर स्टेट के बारे में बात करोगे तो उस पर्टिकुलर स्टेट की जो एक लैंग्वेज है ना वो फील होना चाहिए, जो कि यहाँ पर आपको फील होती नहीं है। उसके अलावा इस शो में आपको एडल्ट सीन देखने को मिलते हैं, यानी कुछ किसिंग सीन से और एक एडल्ट सीन है। तो इस हिसाब से आप लोग चाहो तो ये फैमिली के साथ देखो, वरना ये फैमिली के साथ नहीं भी देखोगे तो चलेगा। वैसे भी इस तरीके के स्लो शो को हमारे इंडिया में मुझे नहीं लगता कि वो फैमिली के साथ देखना पसंद करे, क्योंकि हमारे इंडिया में भी फैमिली वाले भी बोर होते रहे, बोले कि क्या कर रहे हो यार, क्या दिखा रहे हो, दूसरा नया लगाओ यार, चेंज करो, तो रिमोट लेके खुद ही चेंज कर देंगे।
इसके अलावा इस शो की अगर नेगेटिविटी की बात करें तो यार इसमें 9 एपिसोड मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए था। इस शो में सिर्फ 6 एपिसोड होते तो वो ज्यादा बेटर होता। अगर आपको फिर भी इस सीरीज में अगर 9 एपिसोड रखना ही थे तो सबके 30-30 मिनट की लेंथ रखते तो ज्यादा अच्छा होता। उसके अलावा शो के अगर ट्विस्ट एंड टर्न्स की बात करें तो भाई ट्विस्ट एंड टर्न्स इसमें ना के बराबर है। सिर्फ आपको 8 और 9 एपिसोड में आपको ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने मिलते जो कि ज्यादा शॉकिंग नहीं लगा। खैर ओवरऑल अगर मैं सीरीज की बात करूं तो यस, अगर आपको ये सीरीज देखनी है, अगर आप में पेशेंस है, सबर है, तो इस सीरीज को आप जरूर देखना, आपको अच्छी लगेगी। लेकिन अगर आप लोग उन ऑडियंस में जिनको आपको थोड़ी थोड़ी देर में ट्विस्ट एंड टर्न्स देखना पसंद है, थोड़ी थोड़ी देर में शॉकिंग मूवमेंट्स देखना पसंद है, तो ये शो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस शो को रेटिंग दूंगा 3 स्टार आउट ऑफ 5। तो यार मुझे तो ये शो अच्छा लगा क्योंकि मैं तो बहुत सारी सीरीज देखता हूं तो मुझे आदत है इस तरीके की शोज देखने की। लेकिन बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करना। और हाँ, ज्यादा अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।